अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य होगा तो हम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी तरह की मुश्किल से लड़ सकते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, पर वो उस जमीन पर बहुत मेहनत करता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने उस बीज को उठाया और उसे अपने घर ले आया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी के अंदर डाल दिया। कुछ दिन बाद वो बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को ले जाकर अपनी जमीन में लगा दिया और वो रोजाना उसे पानी देने लगा। कुछ दिनों बाद उस बीज में से एक पौधा पैदा हुआ। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ। पौधा दिन ब दिन बड़ा होता गया। कुछ समय बाद वो पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने वो सारे फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेचने लग गया। उसने फल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने उन पैसों से और बीज लिए और उन्हें पानी में रखकर अंकुरित किया। जब वो सारे बीज अंकुरित हो गए तो उसने उन सबको अपने खेत में लगा दिया। कुछ समय बाद वहाँ एक फल का बाग बन गया। अब वो गरीब किसान अपने फल बेचकर अपनी गरीबी दूर करने लगा। उसने अपने पास सारी सुख सुविधाएं बना ली थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य रखकर मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ इसी चैनल पर।